नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि 7 जून 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे incometax.government.in। इस URL के माध्यम से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित आपका जो टैक्स से संबंधित डिडक्शन होता है उसकी जानकारी आप भी यहां पर ले सकते हैं। कई अन्य फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। और कुछ साथियों के कमेंट्स थे कि कोई भी नया टैक्स पेयर जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो किससे करवाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। क्योंकि पिछले पोर्टल में जो ओल्ड पोर्टल था उसमें होम पेज पर ही हमें दिया होता था कि आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक दूसरी प्रक्रिया दी गई है, उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है incometax.government.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो 7 जून को ही लॉन्च हुई है, कल ही लॉन्च हुई है। तो ऐसी स्थिति में इसको करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पे होंगे और होम पेज आपको इस प्रकार का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसको देखने से पहले हम आज जो बात करने वाले हैं कि कोई भी एक नया यूजर, यानी कि जो अगर आप सरकारी सर्विस में हैं या किसी अन्य प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाओगे आप। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक आइकॉन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, डू नॉट हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, पहले से अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो आप क्या करोगे, दरअसल सबसे पहले आपके पास यहाँ पर किसी भी प्रकार का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे आप। यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो 4 स्टेप पर होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पर करोगे, उसके बाद में आपकी डिटेल जो मांगी जाएगी उस डिटेल को आप फिल करोगे, उसके बाद में आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास एक OTP आता है, जो आधार OTP भी हो सकता है और पैन कार्ड OTP भी हो सकता है। उसके बाद में अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। अब जैसे रजिस्टर्ड आप किस रूप में करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड एज टैक्स पेयर के रूप में यानी कि इंडिविजुअल करना चाहते हैं या अदर में करना चाहते हैं। अदर में अगर आप देखोगे तो अदर में क्या क्या है, अदर में ऑप्शन दिए गए हैं कि आप टैक्स डिडक्टर या कलेक्टर के रूप में करना चाहते हैं या एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में, 3 के स्टेक होल्डर के रूप में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, किस रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। इनमें से अगर आप कोई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं टैक्स पेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा। पैन नंबर आप अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टेंटली आप बना सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना पैन नंबर क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर पर आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद में यहाँ पर उसको वैलिडेट करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 4 स्टेप से होगा। सबसे पहले आप इसको वैलिडेट जैसे करोगे, उसके बाद में आपसे संबंधित आप एक तो एड्रेस कॉन्टेक्ट और उसके बाद में आपके अकाउंट से संबंधित डिटेल्स भरवाई जाएगी जो यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद में जो डिटेल्स आपने डाली है उसको वेरीफाई करवाएगा। वेरीफाई करवाने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस पर एक मेल आएगा और OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, उसके माध्यम से आप इसको फिल करोगे। फिल करने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा, आधार OTP से भी वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद में आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर इसीलिए कि साइबर अटैक से बचा जा सके। इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद में लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद में आसानी से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद।